हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जैसे हमने एक सीट ले रखी है, उस सीट के अंदर हमने जैसे कुछ नंबर्स टाइप कर रखे हैं जैसे, तो हमें इन्हें नंबर्स को स्प्लिट करना है। अलग अलग स्प्लिट करेंगे, इन्हें अलग अलग कॉलम्स में ले जाना है हमें। तो जैसे इन नंबर्स को अलग अलग कॉलम्स में ले जाने हैं तो किस प्रकार ले जा सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन नंबर्स को स्प्लिट करते हैं, तो इन्हें क्या करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा टैब है जो आपका डाटा मेन्यू, उस पर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए हमने डाटा टैब पर क्लिक कर लिया। अब जैसे आपको जो भी नंबर्स टेक्स्ट कॉलम्स में करना है अलग अलग स्प्लिट, तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए जैसे हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये देखिए इसके अंदर डाटा टूल्स के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए हमने टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर लिया। जैसे ही टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर लिया, उसके बाद ये देखिए डिलिमिटेड आ गया, फिक्स्ड विड्थ आ गया। आप फिक्स्ड विड्थ भी ले सकते हैं। जैसे हमने फिक्स्ड विड्थ ले ली, भाई सभी में एक जैसा स्पेस आ जाएगा हमारे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए नीचे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया। अब जैसे इनके बीच है हमें स्पेस छोड़ना है, आपको क्रिएट करना है, डिलीट करना है, मूव करना, जो भी करना है आप कर सकते हैं। आप एक साथ लेना चाहते हैं इन सभी का, तो एक साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए इन नंबर्स को अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं। तो इन्हें स्प्लिट करने के लिए देखिए आपको यहाँ डाटा प्रीव्यू में यहाँ स्केल्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है निशान, इन पर क्लिक करते जाइएंगे। तो ये देखिए इस प्रकार हमारे पास ये स्पेस आता जाएगा। ये देखिए इक्वल स्पेस आ रहा है हमारे। ये देखिए इस प्रकार ये अलग अलग कॉलम्स पे स्प्लिट हो गए। फिर जैसे ही ये स्प्लिट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए हमने जैसे नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो ये देखिए डिस्टेंस इस एरो के हिसाब से आ रहा है। ये देखिए हमने जो ले रखे ये जितने भी आपके करेक्टर और ये कितने भी जो भी आपका कॉलम है हमारा, ये देखिए ई कॉलम है, रो कौन सी मेरी 7 है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम फिनिश पर क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस प्रकार हमारे नंबर स्प्लिट हो गया है। तो इसी प्रकार आप इन्हें सभी को इसी प्रकार स्प्लिट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।